हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज सोनिया। वेलकम बैक विद अनदर वीडियो। आज हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 8। सो लेट्स स्टार्ट। फैक्टराइज ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो आपको क्या करना है, इन क्वेश्चन में फैक्टराइज करना है जो भी हमें वैल्यूज गिवन है या जो हमें पॉलिनोमियल गिवन है। सो देखिए, 8a³ प्लस b³ प्लस 12a²b प्लस 6ab². तो अगर हम इस क्वेश्चन को देखते हैं तो आपको एक आइडेंटिटी याद आती है, क्या होता है, a प्लस b की होल क्यूब क्या होता है, a³ प्लस bq प्लस 3a²b प्लस 3ab². तो देखिए सिमिलर है ना, तो हम जस्ट क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को इसमें कन्वर्ट कर लेंगे। देखिए a प्लस b हमारे पास है a³, यानी कि यहाँ पे है 8a³। a³ में कन्वर्ट करना है तो यहाँ पे हमें 8 के ऐसे फैक्टर बनाने होंगे, यानी कि इसका हमें क्यूब रूट लिखना होगा। तो अगर मैं 8 के क्यूब रूट की बात करती हूँ तो 8 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 × 2 × 2। और अगर हम क्यूब रूट की बात करते हैं तो जो 3 सेम नंबर्स होते हैं, अगर 3 नंबर सेम है तो जो 1 होगा नंबर उनमें से 2, यानी ये इसका क्या हो जाएगा, क्यूब रूट हो जाएगा। तो ये आपको छोटी छोटी नॉलेज है, ये पता होनी चाहिए। तो अब देखिए यहाँ पर हम लिख देंगे 2 और a पावर क्या हो जाएगी इसकी, 3। देखिए इस फॉर्म में हमने राइट डाउन कर लिया। अब देखिए नेक्स्ट प्लस bq, ये तो एज इट इज ही आ जाएगा, b की पावर क्या हो जाएगी, 3। प्लस अब हमें क्वेश्चन को देखने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ से हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, क्या हमारा जो आंसर आ रहा है वो करेक्ट आ रहा है कि नहीं, मैच करते हुए चलेंगे। सो यहाँ पे 3 है, a की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 2a की पावर 2, b कितना है हमारे पास, b प्लस 3, a कितना है हमारे पास, 2a, और b की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पे, b²। अब हम चेक कर लेते हैं, देखिए 2a का जब होल क्यूब कर रही हूँ तो 8a³ आ रहा है, b का क्यूब करेंगे तो b³ आ रहा है। अब देखिए यहाँ पे 2 की पावर 2 यानी 4 × 3 = 12a²b, 12a²b, 3 × 2 = 6ab² तो 6ab², यानी कि हम कंप्लीट अप्लाई करने के बाद ये हमारा ये फॉर्मूला बन जाता है। इट्स मीन a प्लस b, a कितना है हमारे पास, 2a प्लस b का क्या बन जाएगा, ये होल क्यूब। तो हमें फैक्टर बनाने हैं इसके, तो क्या बन जाएगा, 2a प्लस b एंड 2a प्लस b, इस तरीके से भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा हमारे फर्स्ट पार्ट का। ना मूव करते हैं पार्ट 2 की तरफ। अब देखिए यहाँ पे लिखा है 8a³ माइनस bq माइनस 12a²b प्लस 6ab² लिखा हुआ है। तो अगर हम इस क्वेश्चन को भी देखें तो ये हमारी देखिए नेगेटिव वाली आइडेंटिटी बन रही है, क्या होती है वो, a माइनस बी का होल क्यूब क्या होता है, a³ माइनस bq, माइनस में क्या हो जाएगा, 3a²b, एंड माइनस में क्या हो जाएगा, प्लस में क्या आ जाएगा यहाँ पे, 3ab². अब बना के देखते हैं सेम बनता है या नहीं। a की वैल्यू हमारे पास क्या होनी चाहिए यहाँ पे, a³ यानी कि 8a³ है, तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, 2a की होल पावर 3 माइनस बी का मतलब यहाँ पे एज इट इज़ आ गया, माइनस 3। अब हमें क्वेश्चन को देखने की ज़रूरत नहीं है, इसको करने के बाद हम चेक करेंगे क्या हमारा आंसर सेम आ रहा है या नहीं। तो a क्या है, 2a की पावर हमारे पास आ जाएगी 2, b हमारा क्या आ जाएगा एज इट इज़ प्लस 3, a कितना है देखिए 2a, और b यहाँ पे क्या है, b की पावर 2। अब हम चेक कर लेते हैं, देखिए ये तो हमने चेक ऑलरेडी कर ली। अब देखिए 2 × 2 = 4, 4 × 3 = 12a²b, माइनस का आ रहा है। अब देखिए 3 × 2 = 6ab², 6ab² आ रहा है ना आपका, तो मतलब ये सेटिस्फाई हो गया। तो ये क्या बन जाएगा, 2a माइनस बी का होल क्यूब, और हमें फैक्टर आइटम करने हैं तो क्या लिखेंगे, 2a माइनस बी एंड 2a माइनस बी। सो दिस इज़ योर आंसर। नाउ मूव टू द पार्ट 3। अब देखिए 27 − 125a³ माइनस 135a प्लस 225a². अब देखिए ये भी अगेन सेम बन रहा है, अब हम क्या लिख सकते हैं इसको, फॉर्मूला नेगेटिव वाली दिखाई दे रही है आपको, तो क्या लगेगी, नेगेटिव आइडेंटिटी लगेगी, नेगेटिव वाली। तो क्या बन जाएगा ये, a³ माइनस bq माइनस 3a²b एंड प्लस 3ab². अब देखिए इसको क्या लिख सकते हैं, a³ का मतलब हो गया 27, और 27 का स्क्वेयर रूट अगर मैं करूँ तो क्या आएगा, 3 × 3 = 9, 3 × 27, यानी कि हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 3। सो यहाँ पे लिखेंगे 3 की पावर क्या हो जाएगी, 3। माइनस 125 की अगर हम बात करते हैं तो 125 को क्या लिख सकते हैं, 5 × 5 × 5, 3 टाइम आ गया, तो स्क्वेयर रूट क्या होगा इसका, 5। तो माइनस में क्या आ जाएगा, 5a एज इट इज़ की पावर क्या आ जाएगी, 3। माइनस 135, अब हम इन्हें नहीं देखना है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, 3a की वैल्यू कितनी है, 3, सो 3 की पावर क्या हो जाएगी, 2, और b हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे, एज इट इज़ आ जाएगा, ठीक है।
और हमारे पास यहाँ पे बी की वैल्यू कितनी है, 5 ए, तो यहाँ पे 5 मल्टीप्लाई में क्या हो जाएगा, ए, क्लियर। प्लस 3, ए की वैल्यू कितनी है 3 और बी की वैल्यू हमारे पास कितनी है 5, ए की पावर क्या हो जाएगी 2। अब जस्ट हमें चेक कर लेते हैं आंसर सही है या नहीं, ये हम ऑलरेडी चेक कर चुके हैं। अब यहाँ चेक करते हैं, देखिए 3 की पावर कितनी है 2, यानी 9, 9 3 ज़ा कितना आ गया 27, और यहाँ पे कितना है मल्टीप्लाई में 5, 5 7 ज़ा 35, 5 2 ज़ा 10 प्लस 3 135, तो 135 ई आ रहा है आपका। सिमिलर वैसे 5 का स्क्वायर 25, 25 3 ज़ा कितना हो जाएगा 75, एंड 75 25 3 ज़ा कितना हो जाएगा 75, एंड 3 ज़ा ये आ जाएगा 225, ठीक है। सो हमारा ये करेक्ट हो रहा है आंसर। तो अब हम जस्ट हम राइट डाउन कर देंगे इनके फैक्टर, देखिए इस फॉर्मेट में आ गया, ये हमारा फॉर्मेट में आ गया 3 माइनस 5 ए की होल पावर 3। तो फैक्टर्स क्या होंगे, 3 माइनस 5 ए, 3 माइनस 5 ए एंड 3 माइनस 5 ए। सो दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर। नाउ मूव टू द लास्ट पार्ट ऑफ दिस सम, 64 ए क्यूब माइनस 27 बी क्यूब माइनस 144 ए स्क्वेयर बी प्लस 108 ए बी स्क्वेयर। आपको ना ये क्वेश्चन जो है आप दो तरीके से कर सकते हैं, एक तो हम आइडेंटिटी लगा देंगे नेगेटिव वाली, अगर नेगेटिव वाली आइडेंटिटी आप माइंड में अगर हो लगता है कि नेगेटिव साइन में कन्फ्यूजन होती है, तो इसको हम दो तरीके से क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। जस्ट हम क्या करेंगे कि जब पॉजिटिव वाली आइडेंटिटी लगाएंगे ना, तो जहाँ पे जो नंबर नेगेटिव है आप चेक कर लेना, बस नेगेटिव एक कॉमन होना चाहिए। मैं ऑलरेडी ना इस तरीके के क्वेश्चन करवा चुकी हूँ जब मैंने स्क्वेयर वाले क्वेश्चन करवाए थे, तो अगर आप वो डीट देख लेंगे ना तो सेम है, अब उस तरीके से मैंने क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो वो स्क्वेयर वाले क्वेश्चन आप देख लीजिएगा, उसमें पता आपको चल जाएगा। और अगर आप चाहो तो मैं इनको कमेंट करके बता दीजिए, मैं आपको ये क्वेश्चन दूसरे मेथड से भी करवा दूँगी। तो पहले हम नेगेटिव आइडेंटिटी से ही करेंगे, ए माइनस बी की होल क्यूब, तो क्या हो जाएगा ये ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3 ए स्क्वेयर बी एंड प्लस 3 ए बी स्क्वेयर। अब देखिए यहाँ पे ए यानी 64 के फैक्टर क्या हो जाएंगे, 4 मल्टीप्लाई 4 यानी 4 4 16 16 4 64, सो 4 की पावर क्या हो जाएगी 3, 27 का 3 होगा 3, ए भी है यहाँ पे 4 ए होल क्यूब 3 बी होल क्यूब माइनस। अब हमें क्वेश्चन नहीं देखना है, जस्ट हम इन्हीं ए बी की वैल्यू चेक करेंगे। सो 3 ए की वैल्यू कितनी है 4 ए का होल स्केयर हो जाएगा, एंड बी की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पे 3 बी प्लस 3 ए की वैल्यू कितनी है 4 ए एंड बी की वैल्यू कितनी है 3 बी, ठीक है, पावर आ जाएगी 2। अब चेक कर लेते हैं, देखिए 4 4 16, ठीक है, यहाँ पे आ गया 16 मल्टीप्लाई बाय 3 एंड मल्टीप्लाई बाय 3, 3 3 ज़ा 9, तो 16 मल्टीप्लाई 9 इज़ 144, सो 144 ए स्क्वेयर बी करेक्ट आ रहा है आपका। नेक्स्ट देखिए 3 3 ज़ा 9 और ये आ जाएगा 12, 12 मल्टीप्लाई 9 यानी 108 और यहाँ पे ए बी स्क्वेयर, तो ये भी करेक्ट है। तो ये किस फॉर्म में आ गई, 4a माइनस 3b की पावर क्या हो जाएगी यहाँ पे 3। सो हमें राइट डाउन करने हैं इनके फैक्टर्स, सो 4a माइनस 3b एंड 4a माइनस 3b, सो दिस इज योर आंसर। नाउ मूव टू द नेक्स्ट पार्ट, सो ये लास्ट पार्ट होगा इस क्वेश्चन का। सो यहाँ पे क्या है, 27 पी क्यू माइनस 1/216 माइनस 9/2p² प्लस में 1/4p, 2 टाइम नेगेटिव आ रहा है तो आइडेंटिटी वाली नेगेटिव वाली हम यूज़ करेंगे, तो क्या हो जाएगा ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3a² b एंड प्लस 3ab². सो देखिए a माइनस b यानी a की वैल्यू हमारे पास देखिए क्या बनेगी 3 की, 3 आ जाएगा, 27 का स्क्वेयर रूट क्या होगा 3 एंड p एज इट इज़ की पावर आ जाएगी 3 माइनस बी, 216 को हम क्या लिख सकते हैं 6 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 6, तो 6 क्या हो जाएगा इसका स्क्वेयर, इसका हो जाएगा क्यूब रूट, सो 1/4 में क्या हो जाएगा यहाँ पे 6 की होल पावर क्या हो जाएगी 3 माइनस। अब हम क्वेश्चन को नहीं देखेंगे, जस्ट हम फॉर्मूले में अप्लाई करेंगे, 3 ए की वैल्यू कितनी है देखिए 3 बी की पावर क्या आ जाएगी 2 एंड बी की वैल्यू कितनी है 1/6, क्लियर। सो प्लस में यहाँ पे देखिए 3 ए कितना है हमारे पास 3p एंड बी की वैल्यू कितनी है 1/6 की पावर क्या आ जाएगी 2। अब जस्ट आपने क्या करना है, सिंप्लीफाई, 3 क्यूब करेंगे तो कितना, सिंप्लीफाई नहीं करना, क्वेश्चन को चेक करना है, ठीक है। 3p क्यूब तो ये 27p क्यूब आ रहा है, 1/6 यानी 216 आ रहा है। अब देखिए यहाँ पे ये है 3 मल्टीप्लाई 3 की पावर 2 करेंगे तो क्या आएगा 9 एंड मल्टीप्लाई में कितना है 1/6, सो 3 1 3 3 2 6, तो कितना आ गया 9/2p², तो बन रहा है एज इट इज़, ठीक है। नेक्स्ट देखिए 3 मल्टीप्लाई बाय ये आ जाएगा 3
एंड मल्टीप्लाई बाय 1/6 एंड 1/6 टू टाइम आएगा 1/6, सो 3 2 जा एंड 3 2 जा यानी 1/4, तो 1/4 एज इट इज आ रहा है, 1/4p तो करेक्ट हो जाएगा। इस फॉर्मे में आ जाएगा, फॉर्मूले में आ जाएगा ये 3p माइनस 1/6 की पावर क्या हो जाएगी 3। तो हमें राइट डाउन करने हैं इनके फैक्टर, सो 3p माइनस 1/6, 3p माइनस 1/6 एंड 3p माइनस 1/6 इज योर रिक्वायर्ड आंसर। सो दिस वॉज योर क्वेश्चन नंबर 8 फ्रॉम योर एक्सरसाइज नंबर 2.5 एंड योर चैप्टर नंबर 2 polynomials. So do watch my next video for more questions. Thank you and bye bye for now.